आज हम बनाने जा रहे हैं मछली की सब्जी। मैंने तेल डाल दिया है इसमें, ये माटी का बर्तन है, इससे सब्जी अच्छी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन से स्वाद अच्छा आता है। ये है लहसुन, इसको मैंने डाल दिया, ये थोड़ा हो जाएगा। हम थोड़ा इसको लहसुन को थोड़ा डाल देंगे जिससे सारा लहसुन मिक्स हो जाएगा और उसका अच्छा फ्लेवर आने लगेगा। अब हम इसमें प्याज मिक्स कर देंगे, हमने प्याज को पहले काट लिया था। हिलाएंगे अच्छा, जिससे प्याज मिक्स होकर अच्छी फ्राई होने लगे। चूल्हे पे खाना बनाने से अच्छा स्वाद आता है सब्जी का और अच्छी पक भी जाती है। पहले इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी जिससे वह अच्छी हो जाती है। अब थोड़ा सा इसमें नमक मिक्स करेंगे। अब भी प्याज थोड़ी होने वाली है। पहले से मिर्च पाउडर और धना मिर्च पाउडर, हल्दी को मिक्स कर लिया है, उसमें पानी डाल लिया है, पहले से फुलाने के लिए रख देते हैं जिससे यह अच्छा हो जाता है। प्याज ब्राउन होने लगी है, अब हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने मिक्स कर रखा था पहले से। हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये सब हमारे घर का है, हम कुछ भी मार्केट से नहीं खरीदते। जो मैं बहुत अच्छी सब्जी बनाएंगे, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। जो अपन के पास पर्याप्त है अपन उसमें सब्जी बना सकते हैं। पान होने तक अपन पकाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो थोड़ी तीखी रह जाएगी सब्जी। मछली मिक्स कर देंगे, और मछली को अच्छे से फ्राई करेंगे। हम मछली का पकने तक इंतजार करेंगे। इसलिए हम इसको थोड़ी ढाँक देंगे, इससे जल्दी फ्राई हो जाए। हेलो दोस्तों, हमारी सब्जी बन गई है, और आपको कैसी लग रही है बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।